अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कोई भी बकरा नहीं है लेकिन बकरे वाले हैं और टेम्पो वाले हैं। ये दो जन अशरफ है। एक्चुअली अशरफ काफ़ी फेमस है पूना में। मेरे जितने भी बकरे जो कश्मीर से या कहीं से भी यहाँ अनलोड होते, क्योंकि कश्मीर से डायरेक्ट बकरा बॉम्बे नहीं आता है, पूना ही उतरता है। पूना में सिर्फ मुझे इसको अशरफ को कॉल करना होता है और माशाल्लाह अशरफ अनलोड करा के यहाँ से फिर दूसरी ट्रेन में या बस में लोड करके मेरे को मेरे फार्म तक का डिलीवरी देता है। और इन लोग का रेगुलर काम ही यही है यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग। तो अशरफ सलाम वालेकुम। सलाम अशरफ, ये पहले तो तुम ये काम नहीं करते थे ना? नहीं, अभी एक साल से कर रहा हूँ। और पहले गुड्डू भाई करते थे काम। अच्छा। और माशाल्लाह गुड्डू भाई की गाड़ी चलती थी, टेम्पो गुड्डू की। गुड्डू भाई, फिर गुड्डू भाई की गाड़ी, गुड्डू भाई को थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से, हाँ बैक का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होने की वजह से अभी गुड्डू भाई का जो काम है, गुड्डू भाई की जो भी गुड्डू भाई के जरिए से आते हैं, या अलहमदुल्ला तुम्हारा है, अपने सब बाकी दोस्त लोग हैं, तो उनके जरिए से जो भी अपने को आता, तो इंशाल्लाह अपन उनका माल पहुँचाते हैं। हाँ, तो यानी पूरा ये टेम्पो से। अच्छा, ये टेम्पो ये यही है ना टेम्पो तुम्हारी? एक बार टेम्पो हम लोग दिखा देते हैं। माशाल्लाह अच्छी टेम्पो है ये, लोडिंग अनलोडिंग। और उम्मे अमन है ना? उम्मे अमन करके बच्ची का नाम है। अच्छा माशाल्लाह। तो ये ट्रांसपोर्ट का कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, किधर से है, क्या है, वो पूरी डिटेल? ट्रांसपोर्ट देखो अभी कैसा है कि बम्बई से पूना, पूना से बम्बई, फिर चिपलोन, ये सांगली, कराड़, कोल्हापुर, सब तरह अलहमदुल्ला। अच्छा, जैसे अगर बॉम्बे से मेरे को कोल्हापुर या कराड़ भेजना है तो तुम यहाँ से बॉम्बे आओगे, वहाँ से तो फिर हाँ। वो चार्जेस तो हाई हो जाएंगे ना थोड़े से। बॉम्बे के लिए ट्रांसपोर्ट देखेगा पहले, और कुछ माल मिल रहा है इसको। अच्छा अच्छा, ये ऐसे सेटिंग होती है पूरी? होती है। ओके 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 ओके। चार्जेस बढ़ जाएंगे ना, तुम्हारे चार्जेस बढ़े, वो तुम्हारे चार्जेस कम करने के लिए इसको यहाँ से बॉम्बे के लिए ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा। अच्छा, तो वो चार्जेस कट हो गए। यहाँ से बॉम्बे के लिए कोई बकरे जाने वाले रहेंगे तो वो उसके अंदर हो जाएगा, तो वो सामने वाले से वो आप चार्जेस नहीं लोगे? नहीं। और फिर ये आपका चार्जेस बॉम्बे से लेके कोल्हापुर या जो भी है? अरे वाह, गुड यार, ये तो अच्छा है। अच्छा, तुम बॉम्बे से यहाँ पूना से बॉम्बे जाता है तो उसके क्या चार्जेस होते हैं? देखो, एक नॉर्मली अगर है एक बकरा तो उसका अभी कम बकरे रहेंगे, एक्चुअली मैं कम ही लेके जाता, डिपेंड करता है गाड़ी में। नहीं, मैं कम ही लेके जाता, बकरे ज्यादा गाड़ी में डालता नहीं। अच्छा, बहुत लॉट रहेगा नहीं क्या? हाँ, बोर का लॉट है, बेंटम का लॉट है, कुछ लॉट है, तो ये अलहमदुल्ला अपनी दोनों कप्पे वप्पे सब बने ले, ऊपर नीचे है, लॉट बना हुआ है इसका। अच्छा, सब बने हुए। ये टेम्पो एक बार दिखाएंगे क्या हम लोग पीछे से भी, है ना? पीछे से पर्दा उठा दे क्या है? हाँ ठीक है ना, अपने को उससे क्या करना है, खाली एक्चुअली मेरी गाड़ी है। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम ना, ये टेम्पो पूरा ये लॉक बने हुए। अच्छा हाँ हाँ, ये जो लॉक बना हुआ, ये लॉक बने हुए ये, और नीचे भी बकरे, ऊपर भी बकरे। तो ये नीचे इसके अंदर कुछ डाल के लाते हैं कि ऐसे डायरेक्ट? इसके अंदर पूरी घास वगैरह आती। अच्छा, पूरी घास, मैं गांव में रहने को है तो मेरे पास घास काफी है नहीं है। हाँ, तो पूरा इसमें लोडिंग करके अपन इंशाल्लाह लाते। तो अच्छा काम है माशाल्लाह ये टेम्पो के जरिए। अच्छा एक चीज देखो गुड्डू भाई, अल्लाह ताला एक बकरे के लिंक के जरिए कितने लोगों के रोजी रोटे, काफी लोगों के रोजी रोटे। भाई तुम्हारा कोई बकरा अटका हुआ रहता है तो ये स्टेटस पे लगा देते कि मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तो स्टेटस पे देख के कम से कम तुम्हारा जो ट्रेन से काम आज नहीं बन रहा है तो वो गाड़ी निकल जाती है। तुम तुम्हारा मेरे हिसाब से इसका नंबर सेव करके रखे तो स्टेटस देखने मिलेगा। ये भी एक बेनिफिट है, मालूम पड़ता है ना कि आज गाड़ी यहाँ निकल रही है। हाँ, तो अगर तुम्हारा कोई बकरा भेजना है तो फिर भिजवा सकते हो। यानी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे वो जो ट्रेन के मसले इतने ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं उसके लिए अभी ट्रांसपोर्टेशन काफी लोग बॉम्बे में भी कई लोग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी बकरे में, एक्चुअली क्या हो रहा है, बकरे में बकरे होते हैं सस्ते, मगर ट्रांसपोर्ट के वजह से बकरे महंगे हो रहे हैं। अभी जैसे वो वहाँ से जम्मू से आने के बाद इधर उतरना, जम्मू से तो तुम सोचो कि बकरा कितना महंगा हो रहा रहेगा, बहुत महंगा हो भाई। भले तुम कोई बोल दे कि वहाँ से माल सस्ता आ रहा है, मगर जो उसका मेन जो ट्रांसपोर्ट है ना भाई, एक बकरे के पीछे 5,000-6,000 रुपए, 5,000 रुपया, 5,500 रुपए। इसमें एक बात ऐसी है कि तुम तो अच्छे से तुम उसको जानते हैं, जब भी तुम्हारे बकरे आए माशाल्लाह, जब भी तुम्हारे बकरे ट्रेन से आए तो अपने पास होल्डिंग का भी है। हाँ हाँ हाँ, तुम होल्ड भी दो तीन दिन होते हैं बकरे, और मेरे घर पे माशाल्लाह बकरा खा पी के सेंट रह के फिर दूसरे उसके कोई चार्जेस, मेरे पास कोई चार्जेस नहीं होल्ड, यानी अगर होल्ड हुआ 1-2 दिन तो कोई चार्जेस नहीं है ना? 1-2 दिन हाँ हाँ सही होता है। हाँ हाँ, क्योंकि तो नहीं होता, क्योंकि किसी का माल रहता है वो जिम्मेदारी वाला काम है बड़ा। अभी समझो कि तुम्हारा बकरा ट्रेन से आया तो वहाँ से अनलोडिंग करने का वो चार्ज देना पड़ेगा, जो ट्रेन का, जो यानी समझ लो ट्रेन से उतरा तो उसके कैसे कैसे क्या सिस्टम होगा अनलोडिंग का? एक से जब उतरता है तो वहाँ से बकरा हम लोग बाहर निकाल के लाते हैं, वो देना पड़ेगा, निकाल के हम हमारे घर पे लाते। तो वहाँ से वहाँ लाने का रिक्शे का या जो भी जैसे अभी रिक्शा का तो नहीं समझो, मैंने पकड़ता। हाँ, वहाँ से जो बकरा अपन अनलोडिंग करते वो बकरा लेके घर पे आ जाते। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉम्बे का है
तो वो मुमरा यानी समझ लो आपको मेरा बकरा है। मैं क्या लोगों को एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट जब अभी ट्रांसपोर्ट तुम ट्रेन से तुम्हारा बकरा जम्मू से समझो यहाँ आ गया तो अनलोडिंग के पैसे देने पड़ते हैं। अनलोडिंग का पैसा वही मैं बता रहा हूँ। अनलोडिंग होके बाहर जब बकरा आता है तो वहाँ से ऑटो रिक्शा वाला, बगैर ऑटो रिक्शा के तो बकरा घर नहीं है, घर आएगा पहले। हाँ, ऑटो रिक्शा से घर पर आता है बकरा, उसको फ्रेश करते हैं, फ्रेश कराते हैं, उसको खिलाते पिलाते, फिर जब अगले दिन आता है तो अगले दिन आपका बकरा आपके जगह पर पहुंचता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद अगर जैसी सहूलत तुमको बस मिले या ट्रेन मिले या फिर टेम्पो मिले, जैसे यानी तुम्हारी जिम्मेदारी रहती है वो वहाँ तक। अगर अच्छा वो दौरान में अगर बकरे को कुछ हो गया तो अच्छा वो जिम्मेदारी, तो वीडियो डालते रहते सब। अच्छा जब उतरता तो नहीं हुआ अभी तक, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे तो बहुत बकरे आए, मैं तो जिम्मेदार क्या, मैं तो सामने से अशरफ को फोन करके बोल के कभी याद भी नहीं करता कि मेरा बकरा आया है, अशरफ पहुंचा देता है माशाल्लाह बहुत रेगुलर। तो अच्छा है, अशरफ को कॉन्टेक्ट करो, अशरफ का ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छा काम है और मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर कुछ इसने गड़बड़ भी करती है ना तो मेरे को बोलो, हम लोग गुड्डू भाई हम लोग को पकड़ेगा। वैसा होता नहीं है, होता नहीं है, बकरे वाला नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अशरफ एक बार नंबर बोल दो, 9511676250 9511676250 इसका भी नंबर ले लो। हाँ, इसके भी मेरे को बहुत कॉल रहते हैं। मैं ठीक है, गुड्डू भाई का और आपका नंबर दोनों डाल दो, अल्टरनेटिव दोनों का डाल दूंगा, है ना गुड्डू भाई। और कुछ यानी बोलना है कि मैं वीडियो यहाँ खत्म करूँ? नहीं, बस ना। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।